बेकार कार्डबोर्ड और थोड़ी सी वॉल पुट्टी से ये क्राफ्ट बनाए, आपके घर में तितली उड़ती हुई मालूम होगी। मैं हूं नरेंद्र, दिल्ली इंडिया से, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्राफ्ट पॉकेट। थोड़े से मजबूत कार्डबोर्ड ले, तितली के आकार में काट ले, साइज छोटा बड़ा रख सकते हैं। कार्डबोर्ड छोटा है तो इस तरीके से भी काट कर फेविकोल से चिपका सकते हैं। बटरफ्लाई के अलग अलग एंगल कंपोजिशन के हिसाब से बनाकर इसके जो पंख हैं वो चिपका लें। टांगने के लिए 1 इंच छोड़कर पेंसिल से होल करें। थोड़े से मजबूत लोहे के तार लें, ये हार्डवेयर की दुकान में मिल जाते हैं। जो साइड एंगल का बटरफ्लाई है उसके ठीक बीचों बीच फेविकोल लगाकर इंसर्ट करें, और जो प्लेन वाले यानी जो फ्लैट बटरफ्लाइज हैं उनके बीच में सेलो टेप लगाकर चिपका लें। कोई भी एक फ्लैट क्राफ्ट में सीधी तरफ से तार इंसर्ट करें और एक हुक की तरह यानी हैंगर की तरह इसे बनाकर अच्छी तरह फिक्स करें। इनमें भी 1 इंच जगह छोड़कर पेंसिल से होल करें। डिसाइड आपने करना है बैलेंस कैसे करेंगे। दोस्तों, ये वॉल पुट्टी है किसी भी हार्डवेयर की दुकान में आसानी से बहुत ही सस्ते में मिल जाता है। इस वॉल पुट्टी के पाउडर में केवल पानी मिलाकर बहुत ही बढ़िया और नरम डो तैयार कर सकते हैं। डो बनाने का तरीका मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उस लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। ये डो 4 घंटे तक चलता है, तो जितनी ज़रूरत हो उतनी ही हम बनाते हैं और गीले कपड़े में लपेट के रखते हैं। एक अलग बाउल में पानी मिलाकर वॉल पुट्टी का घोल बना लें। आपने जो डो बनाया है उसी डो से ये पतले पतले शीट्स बना लें। आपका डो अच्छा बना है तो ये नॉन स्टिकी होगा। क्राफ्ट पे पहले वॉल पुट्टी के डॉट्स लगाएं और ठीक उसी पे वॉल पुट्टी का शीट लगाते चले जाएं। एक्स्ट्रा वॉल पुट्टी को हटा दें। दो शीटों के बीच के गैप को केवल पुराने नाइफ के सहारे और केवल पानी के सहारे इसे प्लेन करें। ये चाहे तो हाथों के उंगलियों से भी प्लेन कर सकते हैं। इसे ड्राई होने दें। वॉल पुट्टी के गाढ़े पेस्ट से भी ये काम कर सकते हैं, पर जो क्राफ्ट है उसे ब्राउन टेप से कवर करना पड़ेगा क्योंकि पेस्ट के मॉइस्चर से हमारा कार्डबोर्ड खराब हो सकता है। घर में पड़े बेकार इस तरह का पेन उठा लें और जो साइड एंगल वाला बटरफ्लाई है उसके तार में इस पेन को अच्छी तरह फिक्स करें। ये एमसील बहुत ही सस्ता आता है, इनमें से 2 क्ले निकलते हैं। दोनों को मिलाकर हम एक ब्लैक कलर का क्ले बना लेते हैं और ये काफ़ी मजबूत होता है। पेन को इसी से कवर करें और सूखने दें। जैसे हमारा पेन सूख जाता है तो वॉल पुट्टी के डो से हम डिटेलिंग करेंगे। एक लेयर करेंगे, ड्राई होने देंगे, फिर सेकेंड लेयर करेंगे। सभी क्राफ्ट पे यही तरीका अपनाएंगे। डो से छोटा सा मोती जैसा शेप बनाकर तार के अगले हिस्से में लगा दें और एक 1/2 इंच का गोल शेप बनाकर दोनों तारों को इन गोल शेप में इंसर्ट करें और ड्राई होने दें। जैसे ही ड्राई हो जाता है इसे वॉल पुट्टी के डो से साइड वाले एंगल के बटरफ्लाई में चिपका लें और ड्राई होने दें। सभी पे यही तरीका अपनाएं। ड्राई होने के बाद 320 नंबर के सैंड पेपर से इसकी घिसाई करें अगर ज़रूरत हो तो, और जो डस्ट है उन्हें सॉफ्ट ब्रश से हटा दें। तीनों की फिनिशिंग हो गई है, अब कलर करने की तैयारी। मैंने एक्रेलिक कलर यूज़ किया है। एक्रेलिक कलर वॉल पुट्टी के क्राफ्ट पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। आप अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से कोई भी कलर कॉम्बिनेशन चुन सकते हैं। दोस्तों, एक्रेलिक कलर एक कोट करें, ड्राई होने दें, फिर दूसरा कोट करें। ज़रूरत हो तो तीसरा कोट भी कर सकते हैं। वॉल पुट्टी के क्राफ्ट पे एक्रेलिक कलर अगर ठीक से किया जाए तो बिना वार्निश के भी ये शाइन करता है। एक्रेलिक कलर अगर ज़्यादा गाढ़ा है तो बस 1 या 2 बूंद पानी मिलाएं। ब्रश को एक ही जगह बार बार रिपीट ना करें, इससे पैचे जा सकते हैं। दोस्तों, बटरफ्लाई के जो पैटर्न है यानी पंखों पे जो खूबसूरत डिज़ाइंस बने होते हैं उस पैटर्न को आप अपने तरीके से कर सकते हैं। अलग अलग तितलियों में अलग अलग पैटर्न बना सकते हैं। कट मिरर्स स्टेशनरी की दुकान में आसानी से मिल जाते हैं। जितने भी बटरफ्लाई हैं उन सब के बॉर्डर पे फेविकॉल की सहायता से चिपका लेंगे। मजबूत रस्सी में आगे की तरफ गांठ बनाए, मोती या वॉल पुट्टी के मोती में इंसर्ट करें। रस्सी को बटरफ्लाई के होल में इंसर्ट करें, ये हमारा हैंगर का काम करेगा। तो दोस्तों, वेस्ट कार्डबोर्ड से बना ये उड़न तितली क्राफ्ट बिल्कुल तैयार है।
तितली रानी बड़ी सयानी फूल फूल पर जाती है, फूल फूल से रंग चुरा कर अपने पंख सजाती है। जब भी उसे जाओ पकड़ने झट से वो उड़ जाती है। एक ऐसी तितली जो आपके घर में ही उड़ेगी, आपके घर में बगीचा हो या ना हो, इसके कई सारे छोटे बड़े सेट्स बनाकर कहीं भी लगाएंगे अच्छा लगेगा। कागज वाले रेडीमेड में वो बात कहाँ जो आपके हाथ से बनाए हुए क्राफ्ट में है। बचपन में एक खेल था जिसे हम खेला करते थे, तितली को देखकर हम खुद भी उड़ा करते थे। इस कला की उड़ान को रुकने ना दें, जब भी समय मिले इस क्राफ्ट की दुनिया में उड़ान जरूर भरें। क्राफ्ट करना अच्छा लगता है पर कर नहीं पाते, तो वॉलपुटी क्राफ्ट के बेसिक ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। ज़्यादा जानकारी के लिए मुझे आप व्हाट्सअप करें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो और शेयर कर सकते हैं। इस क्राफ्ट की दुनिया में अनगिनत क्राफ्ट अभी आने बाकी हैं, तो कोई भी बजट वाला क्राफ्ट आपसे छूट ना जाए। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही एक बेल आइकन है उसे भी दबा दें, ताकि मेरा हर नया क्राफ्ट वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे मेरा चैनल क्राफ्ट पॉकेट।